मीर के दीनों मजहब को अब पूछते क्या हो उनने तो, कशका खेंचा दैर में बैठे कब का तर्क इस्लाम किया। खवातीन हज़रात, ये जो शेर है मीर का, इस पर सादकैन ने उसकी इंटरप्रिटेशन जो बनाई, जो उसको मुसव्विर किया, उसमें दिखाया गया कि सादकैन साहब एक लंगोटी बांध के बैठे हुए हैं, ज्ञान ध्यान में मसरूफ है, यहाँ कशका वगैरह खींचा हुआ है और नीचे ये शेर लिखा हुआ। नुमाइश हुई जादूगर में, जिसको फ्री मेसन हॉल भी कहा जाता है, माल रोड पे है, सादकैन की मुसव्वरी की। अब एक दो दिन तो खैरियत से गुजर गए, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों को खबर हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ एक अरसे से जो फ़नून लतीफ़ा है, इनके हालात कुछ साजगार नहीं है, और वो जो लोग इनमें कमाल हासिल करते हैं वो वाकई कमाल है कि ऐसे नासाजगार हालात में भी वो परस्यू करते हैं अपने पैशन। तो बाहर तौर जब ये नुमाइश हुई, एक दो दिन तो खरीद से गुजर गए, फिर किसी को खबर हो गई और एक मजहबी जमात के तालिब इल्मों ने नुमाइश पर हमला कर दिया और आग भी लगाई। अच्छा, सादकैन जो थे वो बहुत दिल बर्दाश्ता हुए इस वकूए से, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि उन्होंने एक डिपिक्ट किया है, ये तो नहीं कि खुदा न खास्ता उन्होंने तर्क कर दिया इस्लाम को, ये तो शेर की बात थी, तो उस पर उन्होंने एक रुबाई लिखी थी। तो उन्होंने कहा कि हाल आज तो नासाज करेगा लाहौर, गाली से सरफराज करेगा लाहौर, लेकिन मैं यहाँ आ रहा था कई साल, इस बात पे कल नाज करेगा लाहौर। अच्छा, एक और जगह इससे पेशतर के मैं वो रुबाई पढ़ूँ जो उन्होंने लाहौर की शान में लिखी है, कि ये किताब है ख़त सादकैन, संग मील वालों ने शाया की है, और इसकी बुनियादी खसूसियत ये है कि खुर्शीद गौहर कलम, जो हमारे अहद के बहुत ही माया नाज खत्तात थे, ब्रिटिश म्यूज़ियम में भी उनकी खत्तातियाँ सजी हुई हैं, और मेरा ख्याल है कि अपने अहद के सबसे बड़े खत्तात थे, उन्होंने ट्रिब्यूट पेश किया है इस किताब में। यानी एक बड़ा खत्तात जो है वो सादकैन को ट्रिब्यूट पेश कर रहा है, और इसमें उन्होंने बाकायदा ख़त सादकैन के कवायद और ज़वाबत जो हैं दर्ज किए हैं, कि सादकैन यूं ही नहीं बनाते चले जाते थे, उनका एक ख़ास अंदाज था, कवायद और ज़वाबत थे जिनके दरमियान रह कर मुकैद हो के तब वो बनाया करते थे। तो ये किताब जो है इसी में उनकी बेशुमार रुबाइयाँ भी है, और जो ट्रिब्यूट है वो ये है कि गौहर कलम साहब ने सादकैन के अंदाज़ में रुबाइयाँ लिखी हैं, यानी उनको अपना उस्ताद माना है। तो ये पहला तो उन्होंने रुबाई तब लिखी जब नासाजगार हो गए लाहौर में, लेकिन बाद में कहते हैं कि जो ख़त किया है लाहौर में मैंने ईजाद, जो ख़त किया है मैंने लाहौर में ईजाद, उसकी मिली कुछ मशर के वस्ता में दाद, इस बात पे लाहौर को करते हैं सलाम। जिस तरह वो कहते थे ना, इस बात पे लाहौर को करते हैं सलाम, शिराज़ो दमिश्को काहिरा बगदाद। आप देखिए कि लाहौर को किन शहरों के हम पल्ला बनाया सादकैन ने। फ़ौजी नज़रात, मेरे पास मैटर तो बहुत है सादकैन के हवाले से, बल्कि यहाँ जब मैं ये प्रोग्राम प्लान कर रहा था तो पुराने कागजात निकल आए। अच्छा, ये बहुत बोसीदा हो चुके हैं, ये खैमा सादकैन ऊपर लिखा हुआ है, मेरा इरादा था कि कोई किताब वगैरह लिखूं, और ये नोट्स लिए थे। अब ये नसर सदी की बात है, ये 50 साल पुराने नोट्स हैं, देखे इनके रंग भी भूरे हो गए हमारी तरह, खस्ता हो गए हमारी तरह, तो पढ़े भी नहीं जाते। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें बहुत सारे मैंने इशारों से कोई बात लिखी थी जो मैं नहीं चाहता था कि लोग पढ़ लें, अब वो समझ नहीं आती कि वो इशारे क्या थे। इसी तरह कई लोगों के नाम हैं और वो याद नहीं आ रहे कि वो कौन थे। तो किताब लिखने का मैंने इसलिए भी इरादा तर्क कर दिया, मेरा ख्याल है कि ये जो मैं प्रोग्राम पेश कर रहा हूँ, एक्सप्रेस की मेहरबानी है सादकैन पर, ये किताब पर भी भारी होगा। तो क्योंकि उनकी मौत के बाद, जिस तरह सईद अख्तर कहते हैं ना कि दो शख्सों ने मौत के बाद ज़्यादा पेंट किया है, एक अब्दुलरहमान चुगताई ने
और एक सातकैन ने, क्योंकि इनकी नकलें बाजार में बहुत आ गई। इसी तरह जो बहुत सारे सातकैन शनास हजरात, जिस तरह फैज शनास आ गए ना, एक दफा फैज साहब को मेरा पूरी किताब लिख दी कि वो फलाना नज़मा ने सुनाई थी, हमसे मशवरा किया। इसी तरह बहुत सारे ये हैं सातकैन शनास भी हैं। तो यहाँ तक कि भाई ऑलमोस्ट ये लिखा होता है कि वो उन्होंने कलम उठाया, ब्रश उठाया और मुझसे पूछा कि जनाब रंग में डुबो दें, मतलब इस किस्म की। तो इसलिए मैंने कहा कि हमारी कौन सुनेगा, ठीक है हम किताब नहीं लिखते। सातकैन के बारे में आमतौर पर उनकी तस्वीर आती तो बहुत सीरियस थी, संजीदा थी, हरगिज़ संजीदा इंसान नहीं थे। और उनमें ख़ास ज़राफ़त, उनकी जो ज़बानदानी थी उसके तो एक दुनिया मददा थी उनमें पाई जाती थी। धीरे धीरे मुस्कुराते थे, बल्कि उनकी ऐनक भी लगता था मुस्कुरा रही है। तो कई मरतबा उन्होंने बात की, एक दफ़ा कहने लगे अरे दार साहब आप ये जाट हुआ करते हैं। मैंने कहा जी हाँ वो हैं, जाट ही हैं। ये जो जाट हुआ करते हैं ना अमरोहा में, ये हमारे मुजारे हुआ करते थे, फर्श पे बिठाते थे हमें मुजारों को, जाटों को। अच्छा अब मैं क्या कहता, तो मैंने कहा मैं ऐसे ही, मैंने कहा जी ये तो दुरुस्त है लेकिन पंजाब में, पुराने पंजाब में जो सैयद बादशाह थे उनके घरों को जाटों की तरफ से खाना जाया करता था और नज़र न्याज भी हम लोग कर देते थे। तो मैंने देखा कि थोड़ा सा वो तैश में आने की तैयारी कर रहे हैं, बार बार ऐनक कुछ सही कर रहे हैं। तो साथ ही मैंने कहा देखें ना कि हालात कैसे बदले, कि आज हम जाट जो हैं वो कशकोल लिए सैयद बादशाह के सामने बैठे हैं कि अपने फ़न की भीख उनसे मांग रहे हैं कि कुछ अता फरमाएं, तो आज हम आपके मुजारे हैं। इस पे कदरे वो खुश हो गए। सातकैन कहते हैं कि फ़न है तख्लीक़ो इख्तरा ईजाद, नकल तकलीद से मैं यूं हूँ आज़ाद, खत्ताती में शायरी में नक्काशी में आप अपना हूँ शागिर्द, खुद अपना उस्ताद।